देखो मुलाजम तो ऑलरेडी उरे है ही गया। ये डिस्पेंसरी पहला जी जिथे डिस्पेंसरी सी वो खस्ता हालत करके ये बाहर कितने बैठे थे पंचायत की जगह बैठे थे। सो उतों पंचायत ने जी डिस्पेंसरी है जी बना के दी है। ये डिस्पेंसरी का अज उद्घाटन किया जिहड़ा स्टाफ सीगा उन्हों सारे इत्थे बैठ के हुण जिहड़े मरीज आउणगे उन्हां नूं इत्थे देखणगे। सो इस करके अज इस डिस्पेंसरी का जिहड़ा उद्घाटन करन वास्ते तुसीं स्पीच दे विच कहा भी डॉक्टरां दी कमी ऑलरेडी हैगी है, पर कई डॉक्टर होने के बावजूद भी कोई छुट्टी लै जांदा है जां मतलब कोई पढ़ाई करन चला जांदा है उत्थे होर घाट पैंदी है डॉक्टरां दी, क्योंकि वो बड़ी समस्या है। चाहे तो उन्होंने डेपुटेशन से लाया जाए, जिवें लहरे गागे की गल करिए तो उत्थे पंज डॉक्टर मैडिकल ऑफिसर है सी, पर हुण वह भी नहीं है, सिर्फ दो है। एमरजेंसी एक बार तो बंद कर दी, दोबारा MLA साहब ने कह के चलवाई है। देखो फिलहाल जिन्ने डॉक्टर आ सानू उन्हां दे विच ही पंजाब नूं चलाउणा पै रिहा। सो अगे असी नवे डॉक्टर की जी भर्ती आ उसे असी चले हुए सारी भर्ती करा। जे कि आप गल करिए डॉक्टर जोड़ा बनने वास्ते उन्होंने 8-10 साल लग जाते हैं, स्पैशलिस्ट डॉक्टर बनने वास्ते 10 साल लगते हैं घट्टो घट। सो जे आप कहीए कि 1 लख तो हो नहीं सकता, सरकार आई नूं महज 7 महीने हुए हैं। सो साडी कोशिश है असी पंजाब दे विच जिहड़े मैडिकल कॉलेज खोल रहे हैं वो इसे दा नतीजा कि जिहड़े बच्चे उत्थे पढ़नगे वो घट पैसों च जिहड़े डॉक्टर बनणगे ताकि वो पंजाब दे विच भी सेवा कर सकन। सो इसे करके साडी प्रायोरिटी है कि पंजाब च मैडिकल कॉलेज है जिहड़े वध्द खोल। सर ये भी डेपुटेशन ते भी एडजस्ट किए जा सकते हैं, जिस तरह दिनों के हिसाब नाल भी मतलब लोगों को सुविधा तो मिलन, लोगों को परेशानी का सामना करना पै रहा। देखो डेपुटेशन ते क्यों असीं पक्के ही लावांगे। सो असी एक बारी सारा रिव्यू कर रहे हैं, सारे पंजाब का रिव्यू कर रहे हैं, जितों जितों एडजस्टमेंट है वो कई बारी साड़ी कुदरती फितरत बनी हुई है कि असी चाहते असी घर दे लवे रही है। सो जिहड़े कोई तरन तारण है उत्थे भी बीमार होंदे ने लोग, उन्होंने भी लोड़ है। सो लहरा बार्डर ते आ गया इत्थे भी लोड़ है। सो बहुते थोड़ी जी होंदी है कि असी उत्थे नहीं जाना उत्थे नहीं जाना। सो साड़ी कोशिश है कि असी इहदा भी सोल्यूशन कढ़ीए और कोई भी जिहड़ा हॉस्पिटल है वो खाली ना छड्डी, उत्थे जिहड़े डॉक्टरां दी पोस्टां हैगियां ने वो सारियां भरीए। सर एक जिहड़ा तुसीं कच्चे काम है उहनूं पक्के करन दी गल कीती इस पेज 'च, जिवें चलो अध्यापकां नूं ऑर्डर मिले ने ते अपने डिपार्टमेंट देरी हो रही, उहदा कारण की है? जिवें नहीं सारे करांगे, साडा तुसीं महज 7 महीने होए ने, 7 महीनों दे विच किन्नां नूं मैं जॉइनिंग लैटर दे दी समझ। फिर काहल नहीं करन दा फायदा, कोई सरकार ने पहले 7 महीनों च इन्ना कुछ किया जिन्ना कुछ मान साहब की सरकार ने किया, तुसीं फिर आप ही दसो। ये थोड़ा जिहा काहल च है, क्यों सरकार साहब की पहुँच है हरेक नूं भी असी ना कितने रह जाइए, असी ना असी किसी नूं नहीं छड्डदे, सब नूं करांगे, बस समय की लोड़ है। सो नहीं है अज असी पक्के कर दिए, कल नूं साडे 12 मूहरे धरना लाई बैठण दा कोई फायदा। सो इस करके साडी कोशिश है प्री प्लानड जिहड़ा जिहड़ा फाइनैंस डिपार्टमेंट तो उन्होंने तनखाहां भी देना हो सारा कुछ क्लीयर करके असी उन्होंने जिहड़ा है अगे लैके जाए। कोई निगाह सर हैगी इदां दी मैनूं दसो, उते बहुत नहीं तुसीं दसो सर कित्थे आ, तुहाडे नाल चल के हुणी उह कर देंगे। खबर पढ़ी नहीं है क्यों, मैं रात लेट आई। GST ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਹੈ ਵਧਿਆ ਹੈ ਇੱਥੇ GST ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪਰ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਘਟਿਆ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਲੀਕੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰਦੇਸ਼ੀ ਸੋਚ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉਹ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ GST ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਰੈਵਨਿਊ ਵੀ ਵਧਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਸਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਸ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਦੇਖੋ ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ।